क्वेश्चन नंबर थ्री और ईयर 2000 जो होमवर्क था इसको टैली रिसीवेबल का बैलेंस ये याद है सेम। हाँ हाँ अभी अच्छा इसके बाद ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट और फिर ये आपका आज तो अनाउंसमेंट हुआ था नेक्स्ट क्लास से अप्लाई करेंगे तो इनको बता दें आप। क्लास का जो भी टाइम है उससे 15 मिनट्स के बाद आप आ सकते हैं। 15 मिनट से लेट होंगे तो अलाउ नहीं करूँगा, फिर आप आएंगे ब्रेक के बाद 15 मिनट तक अलाउ हो जाएगा। 15 मिनट से लेट होंगे तो फिर अलाउ नहीं करूँगा, फिर आप आएंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, अब इसमें देख लें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कहाँ कोई चेंज आ रहा है, सेम नहीं है तो सेम जी आपने देख लिया नहीं होगा। अवेलेबल पाते हैं आप, ये दो भी अवेलेबल पाते हैं, डिफरेंस देखिएगा आपने इनमें क्या, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा देख इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया किस किसने वैसे, बाकी सब सो रहे थे जगह। ठीक है एक्शन ओके, ये हो गया कंप्लीट। उससे चलते हैं। अच्छा अब इसके फिलहाल आप लोग बैलेंस नोट कर लें, रिसीवेबल का बैलेंस है 265 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल ठीक जी ठीक है। सॉल्व नहीं किया पिक्चर ले लें, घर जाके कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ देखें रिसीवेबल का बैलेंस कितना आ रहा है, रिसीवेबल का बैलेंस कितना है 265, अलाउ फॉर रिसीवेबल का बैलेंस 13,250। अब इस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होंगे। अब 2001 से सॉल्व करते हैं। अब रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस होगा 2,65,000 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बन जाएगा 13,250। ये रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 265,000, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 13,250। अब ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, तो क्रेडिट सेल हो रही है सर 4 लाख की। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में आता है, जी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जब चेक करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग के साइड पे था डेबिट पे सीडी, तो बीडी कहाँ आएगा क्रेडिट साइड पे। अच्छा ये क्रेडिट सेल का है तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद कैश कलेक्शन है 550, तो रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 550। इसके बाद सेल्स रिटर्न तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न के बाद कॉन्ट्रा सेटलमेंट, इसकी डबल एंट्री क्या होती है, हाँ रिसीवेबल क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल डेबिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्रेडिट हो जाएंगे। तो सेट ऑफ के बाद है बैडेट्स रिटेन ऑफ, इसकी डबल एंट्री क्या होगी, बैडेट्स रिटेन ऑफ डबल एंट्री क्या बनेगी, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो इरिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर,
इसके डबल एंट्री कैश डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो गया। कैश डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट, तो कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे, इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट कर देते। अच्छा, इसके बाद अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल है कितना, 5%। तो इसके लिए हम पहले अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया, डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 90,000। ठीक, अब 90,000 में से डाउटफुल कितने हैं, 5%, तो अब 90,000 का 5%, अच्छा 5% आ जाएगा 4,500। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, घर जाके नहीं पड़ा। अच्छा, तो ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 13,250। तो 4,500 में से 13,250 लेस कराएंगे, ये लेस करने के बाद आपके पास आएगा डिक्रीज इन अलाउंस। अच्छा, डिक्रीज आ रहे हैं, अच्छा डिक्रीज किया क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एस्टिमेट था 13,250, इस ईयर का एस्टिमेट है 4,500, एस्टिमेट कम हो गया, तो डिक्रीज इन अलाउंस, तब हमारे बैड डेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट एंड रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाए। अच्छा, अभी एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर्स में, लेजर में पोस्ट करेंगे एंट्री, तो एंट्री होगी इधर का अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट एंड रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाए। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज करते हैं, पहले अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,500। के बाद इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, तो इसमें देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। अब ये क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड माइनस करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 5,075, और अब ये 5,075 इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होंगे, और क्रेडिट होने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाए, क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अकाउंट्स क्लियर, अब जब हम ईयर एंड पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो वर्किंग हो गई। अब जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, और जब बैलेंस शीट बनेगी ईयर एंड पर, इसमें रिसीवेबल्स आएंगे 90,000 रिकॉर्ड होंगे, और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 4,500, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 85,500। क्लियर, अब बैक कर देता हूँ इसको कॉपी करने, आप लोग आराम। क्लियर, अब इसमें क्या प्रॉब्लम, वर्किंग जी, वर्किंग में क्या प्रॉब्लम,
नेक्स्ट इतना है इसके बाद इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सपेंस क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर फोर एक मिनट जी सर ये 1600 अच्छा भैया अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्या होते हैं आपके एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स हो गए ना तब अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इसकी होती है दो टाइप अलाउंस फॉर रिसीवेबल होते हैं दो टाइप एक कहलाता है स्पेसिफिक अलाउंस और सेकेंड जर्नल अलाउंस ठीक है अलाउंस फॉर रिसीवेबल के दो टाइप्स हो गई स्पेसिफिक अलाउंस और जर्नल अलाउंस अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ देखिए अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे क्वेश्चन वन और टू में 2% 5% निकाला हमने वो था जर्नल अलाउंस ठीक है स्पेसिफिक क्या होगा स्पेसिफिक अलाउंस होता है जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के अगेंस्ट क्रिएट हो वो कहलाएगा स्पेसिफिक और जो सबके लिए वो जर्नल यानी कि अभी जो क्वेश्चन टू और थ्री हम कर रहे थे उसमें जो हमने डाउटफुल डेट कैलकुलेट किए थे वो कौन से थे वो जनरल अलाउंस था ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि 2% डाउटफुल है 3% है या 5% है ना राइट तो अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर की बात होगी तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक अलाउंस और ओवरऑल बात करेंगे वो कहलाएगा जनरल अलाउंस अब जैसे यहाँ ये क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें हम जो पीटर की बात कर रहे हैं ये 5000 हमारा स्पेसिफिक अलाउंस हो गया 500 और बाकी 2% जनरल अलाउंस हो जाएगा अब ये पहले कॉपी कर लें डेफिनेशन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके सब क्वेश्चन नंबर फोर अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर में रिसीवेबल्स आपको दिए हुए 11,200 अच्छा इसमें ये 500 हो जाएंगे आपको स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस कितना है 2% अलाउंस फॉर रिसीवेबल को ओपनिंग बैलेंस 230 दिया हुआ है चलो अटेंडेंस देते हैं फिर इसको कंप्लीट करते हैं चलो जी अच्छा रिसीवेबल्स कितने 11,200 वर्णी बबलू अच्छा अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 230 बैलेंस कॉपी करते हैं ओके अच्छा अब इसमें कैलकुलेशन होगी अच्छा पहले क्या लिख रहा है कि 500
ये तो हो गया आपके स्पेसिफिक अलाउंस हो जाएगा, वहां पे जनरल अलाउंस कितना है 2%। अब इसमें कैलकुलेशन ये होगी कि पहले तो हम ये करेंगे 11,200 में से 500 स्पेसिफिक अलाउंस माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद रिसीवेबल्स बचेंगे 10,700। अब इसमें से डाउटफुल कितने 2%, ये इसका 2% आ गया 214। अब टोटल डाउटफुल डेट्स कितने हो गए? हाँ, अब देखिए 500 स्पेसिफिक अलाउंस था, 214 जनरल हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स 714 होते हैं। ठीक है, 500 स्पेसिफिक और 214 जनरल। अब इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे जो कि कितना था 230। 230 ये माइनस हो जाएगा, ये इंक्रीज इन अलाउंस आ जाएगा हमारे पास 484। अब इसकी एंट्री क्या होगी? रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल। ओके, अब ये एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, पोस्ट कर देंगे तो ये होगी आपके रिकवरेबल डेट्स डेबिट 484, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 484। अकाउंट क्लोज करते हैं। अच्छा देखिए, रिसीवेबल अकाउंट तो एज इट इज रहेगा, उसको क्लोजिंग बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। अलाउंस अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैरी डाउन। इसके बाद ये इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 था वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, एग्जाम ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन। अच्छा, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 484। अच्छा, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स कितने रिकॉर्ड होंगे? 11,200 माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 714। कुछ इस तरह से पहले लिख लेते हैं, देखिए। अब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो उसमें रिकवरेबल डेट्स चार्ज होंगे 484 और ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 11,200 और माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 714, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 10,486। क्लियर? कॉपी कर लें, उसके बाद ब्रेक लेंगे।